दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। आज की वीडियो में हम समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में समाज से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है और साथ ही उनका उत्तर भी है विकल्प के रूप में, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में या अकादमिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी एक तरह से समाज की तैयारी तो हो ही जाएगी, साथ साथ आप अपने आप को ये भी जांच सकेंगे कि कितना आप समाज को समझ पाए हैं। चूँकि इससे पूर्व हम समाज से संबंधित उसमें जो भी सारे समास हैं, 6 समास हैं, उन सबको विस्तार से, उनके भेद, उनके उदाहरण और उनकी पूरी परिभाषा को लेकर के बात कर चुके हैं। अब हम समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रख रहे हैं और विकल्प के रूप में प्रश्न है ये और उनका उत्तर भी है, तो आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। समास व्याकरण, प्रश्न 1, शरणागत शब्द उदाहरण है, द्वंद समास, कर्मधार्य समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है, बड़ा सागर, महान है जो सागर, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है जो सागर। सही उत्तर है महान है जो सागर। अगला प्रश्न है, परमाणु समस्त पद उदाहरण है, अव्यय भाव का, द्विगु का, कर्मधार्य का, द्वंद का। सही उत्तर है कर्मधार्य का। अगला प्रश्न है, दीर्घायु पद में समास है, कर्मधार्य, द्वंद, द्विगु, तत्पुरुष। सही उत्तर है कर्मधार्य। अगला प्रश्न है, लाख दो लाख सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा, या, एवं, आदि, और। सही उत्तर है या। अगला प्रश्न है, पद प्राप्त में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद, बहुव्रीहि। सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, धन दौलत समस्त पद के विग्रह में समुच्चय बोधक शब्द आएगा, या, आदि, और, अथवा। सही उत्तर है आदि। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। सही उत्तर है द्वंद। अगला प्रश्न है, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है वह है तत्पुरुष, कर्मधार्य, अव्ययी भाव, द्विगु। सही उत्तर है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है अर्थात प्रधान होता है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या कोई नहीं। सही उत्तर है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, अन्य पद प्रधान होता है किस समास का, बहुव्रीहि में, कर्मधार्य में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में। सही उत्तर है बहुव्रीहि समास में। अगला प्रश्न है, रघुपति शब्द उदाहरण है, द्विगु समास का, द्वंद्व का, बहुव्रीहि का, कर्मधार्य का। सही उत्तर है बहुव्रीहि का। पशुपति, अगला प्रश्न है, पशुपति पद में समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, एक दंत पद का समास विग्रह है, एक दांत, एक है दांत जिसका गणेश, एक दांत का समूह, एक जोड़ी दांत। सही उत्तर है दांत जिसका अर्थात गणेश। अगला प्रश्न है, मनोज शब्द में समास होगा, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद, द्विगु। सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है,
गुरुमुखी पद में समास होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, वनवासी शब्द में समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधार्य। सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, द्विगु सामासिक पद का विग्रह है, दो पैरों वाला, दो गायों वाला, दो गायों का समाहार, दो गाय हैं जो। सही उत्तर है दो गायों का समाहार। अगला प्रश्न है, भाई बहिन शब्द में समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, शताब्दी शब्द उदाहरण है, द्विगु का, द्वंद्व का, कर्मधार्य का, बहुव्रीहि का। तो सही उत्तर है द्विगु का। अगला प्रश्न है, नवरत्न शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। सही उत्तर है द्विगु। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे समस्त पद में समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, जो पूर्व में न हुआ हो विग्रह का समस्त पद होगा। ये विग्रह, इसका समस्त पद क्या होगा? पूर्वत, अभूतपूर्व, पूर्व रूप, पूर्वभूत। सही उत्तर है अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, यथा समय शब्द में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। सही उत्तर है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, अंधकूप शब्द में समास है, कर्मधार्य, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। सही उत्तर है कर्मधार्य। निडर शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। सही उत्तर है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, कवि पुंगव का समास विग्रह है, कवि में पुंगव यानी कि श्रेष्ठ, कवि को पुंगव, कवि द्वारा पुंगव, कवि से पुंगव। सही उत्तर है कवि में पुंगव यानी कि श्रेष्ठ। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा, नरों में ईश, नरों का ईश, नरों द्वारा ईश, नरों से ईश। सही उत्तर है नरों का ईश। अगला प्रश्न है, मतदाता शब्द में समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है, आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। सही उत्तर है आजकल। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद, कर्मधार्य, बहुव्रीहि। सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार्य, बहुव्रीहि। सही उत्तर है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। सही उत्तर है रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला प्रश्न है, शाखा मृग शब्द में समास है, कर्मधार्य, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों हैं, यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। सही उत्तर है जलोष्मा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण घाट का विग्रह है, स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, घट के लिए स्वर्ण। सही उत्तर है स्वर्ण का घट, घड़ा। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, छत्रधारी। सही उत्तर है भरपेट। अगला प्रश्न है, शताब्दी शब्द में समास है,
द्वंद्व, दिगु, कर्मधार्य, तत्पुरुष। सही उत्तर है दिगु। अगला प्रश्न है, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। सही उत्तर है दूसरा पद प्रधान होता है। दिगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीतांबर, त्रिभुवन, भूदेव। सही उत्तर है त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है, बहुव्रीहि, दिगु, अव्ययी भाव, कर्मधार्य। सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। समास से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर विकल्पात्मक प्रश्न थे, ये उत्तर थे। आपको निश्चित रूप से वीडियो लाभप्रद होगी, ऐसी आशा है हमें। और वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद रही हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक रही हो, तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। और यदि आपके कुछ सवाल हैं, कोई समस्या है, किसी टॉपिक को आप समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएँ, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएं। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।